हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन। और ये इसमें क्या है कि इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग अपेरेंट वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस। देखो, अर्थ का ओमेगा अगर जीरो हो जाए, ठीक है, तो जी मतलब अपेरेंट वैल्यू ऑफ जी या अपेरेंट वेट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कुछ नहीं होगा, इसके बारे में हमें प्रिडिक्शन करना है। देखो, अपेरेंट जी या अपेरेंट वेट ड्यू टू रोटेशन, अगर अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर ओमेगा से, तो ये अपनी एक्सिस पर अर्थ अगर ओमेगा से रोटेट करती है बच्चों, तो इसके रोटेशन की वजह से जो वेट में चेंजिंग आता है, ठीक है ना, ये वेट में जो चेंजिंग आता है वो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। आई होप ये इक्वेशन आप पढ़े होंगे। जी डैश क्या है? चेंज इन जी जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। जी एक्चुअल है जब ओमेगा अर्थ का जीरो था, ठीक है ना, और जब अर्थ रोटेट नहीं कर रही थी, तो जी की वैल्यू कितना लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आर रेडियस, ओमेगा एंगुलर स्पीड, और लैम्डा जो है इक्वेटर से अर्थ है। तो इस अर्थ को यहाँ से, ये अपना इक्वेटर है, तो लैम्डा की जो है कोई पॉइंट पी है लेटिट्यूड, ये लैम्डा जो है इस पॉइंट पी को इक्वेटर वाली लाइन से, हॉरिजेंटल वाली लाइन से मिलाने वाली एंगल लैम्डा है, तो ये इक्वेटर होता है। तो इस इक्वेटर पर अगर जाओगे तो लैम्डा की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, और अगर ये पोल है तो पोल पे जाओगे तो लैम्डा की वैल्यू तो 90 हो जाएगी, ठीक है ना। ये पॉइंट पी शिफ्ट होगा, पॉइंट पी इधर शिफ्ट होगा तो लैम्डा डिक्रीज होगा, पॉइंट पी ऊपर शिफ्ट होगा तो लैम्डा इंक्रीज होगा। तो अगर अर्थ का रोटेशन स्टॉप हो जाता है, ठीक है, इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग, तो हमें देखते हैं कहाँ क्या इफेक्ट होता है। तो अगर इक्वेटर पे जी की वैल्यू देखोगे, इक्वेटर पर अगर जी की वैल्यू देखोगे, तो लैम्डा तो जीरो होगा इक्वेटर पे, तो रोटेशन की वजह से इक्वेटर पे आएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस, ठीक है, कॉस कॉस जीरो इज इक्वल टू वन होता है। तो ये कहाँ पर है भाई, ये इक्वेटर पे है। तो पोल पर अगर देखोगे, एट पोल, पोल पे अगर बात करोगे तो जी डैश इज इक्वल टू पोल पे आ जाएगा, वो आ जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस लैम्डा, कितना भाई, 90, कॉस 90 जीरो होता है, तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर और कॉस 90 का स्क्वायर, कॉस 90 स्क्वायर कुल मिला के जीरो, तो जी डैश, तो जी एट पोल पे आ जाएगा, जी के बराबर आ जाएगा। तो जी पे पोल इतना है और इक्वेटर पे इतना है। देखो अब अर्थ, देखो अब समझने की कोशिश करना, अर्थ चाहे स्टॉप हो, ठीक है, अगर अर्थ ओमेगा चेंज होता है, ओमेगा इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो पोल पे तो नो इफेक्ट आ रहा ना, कोई भी इफेक्ट आ ही नहीं रहा है। लेकिन पोल के अलावा जहाँ कहीं भी लैम्डा की वैल्यू मतलब कॉस नॉन जीरो है, वहाँ पे ओमेगा एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर ओमेगा चेंज होता है तो इक्वेटर पे तो वैल्यू चेंज होगी। इफ अगर ओमेगा जीरो हो जाता है, ठीक है, तो ओमेगा जीरो हो जाता है तो पोल पे तो ओमेगा का कोई इफेक्ट ही नहीं है भाई, ओमेगा जीरो हो जाता है तो पोल पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, लेकिन इक्वेटर पे भी, इक्वेटर पे जी की वैल्यू 9.8 रह जाएगी। तो ये तो इसका मतलब ये हो गया, ओमेगा कम या ज़्यादा होने से इक्वेटर पे इफेक्ट हो रहा है, और भी प्लेसेस पे इफेक्ट हो रहा है, बट पोल पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो एवरीवेयर तो इंक्रीज नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। एवरीवेयर डिक्रीज नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। रिमेन सेम एवरीवेयर, ये भी गलत है। इंक्रीज एट सम प्लेस, मतलब अगर अर्थ स्टॉप कर देती है रोटेशन, तो इंक्रीज इन सम प्लेस मतलब इक्वेटर पे, ठीक है, इक्वेटर पे जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड रिमेन सेम एट सम अदर प्लेस, मतलब पोल पे, ये जो बात है वो पोल पे है, पोल पे कुछ नहीं होने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए।